वेलकम टू न्यून क्लासेज स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल की। देखो जो लास्ट क्वेश्चन था, वैसे कुछ बच्चों ने आंसर भी किया है, कुछ ने 20 सेकंड में भी किया है, कुछ ने 5-7 मिनट भी लगाए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना टाइम लगाया, आपने अटेम्प्ट किया, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलो इसको एक बार मैं सोल्व करवाता हूँ। ऐसा केवल एक ही यूनिक ट्रायंगल है जिसमें जो तीन एंगल्स हैं ये तीनों एंगल क्या हो जाएं, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएं। ठीक है, और वो है कौन सा, 16 + 64 + 100। ठीक है, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और ये 180 का सम बनाते हैं। ये 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये तीन साइड हैं। यदि ये एंगल 100 है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ऑब्टूज हो जाएगा, अधिक कोण, और तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, स्केलिन और ऑब्टूज। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए फर्मेट्स स्क्वायर थ्योरम आती है, फर्मेट्स टू स्क्वायर थ्योरम होती है, वो मैं आपको नंबर सिस्टम में करवाऊंगा डिटेल में। एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम जब अपन करेंगे तब मैं आपको दोबारा ये रेफरेंस दूंगा। यदि ये मेंशन नहीं करता, देखो ध्यान से, यदि ये डिग्री मेंशन नहीं करता तब इसका क्या आंसर होता, मान लो ये बोलता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण पूर्ण वर्ग हैं तो वह त्रिभुज है, डिग्री मेंशन नहीं कर रहा है, तब हमारा आंसर क्या होता, तब ऐसा एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेडियन में, यदि अपन एंगल्स को रेडियन में डिस्कस करें तो पाई इरेशनल नंबर है, तो कोई भी दो तीन वैल्यू मिलके पाई नहीं बना सकती, उस केस में आंसर जाएगा 0। ये पूछेगा कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यदि डिग्री में एंगल्स दे रखे हैं तब तो एक ट्रायंगल पॉसिबल है, यूनिक ट्रायंगल है, और पाई रेडियन में है तब तो क्या आंसर होगा, 0। ये जो स्पेशल ट्रायंगल है इसका नाम भी दिया है स्क्वायर ट्रायंगल। ठीक है, ये स्क्वायर ट्रायंगल है, ये इसका नाम है भी स्क्वायर ट्रायंगल, और ये स्क्वायर कहां से आया वर्ड, ये इनके अकॉर्डिंग स्क्वायर वर्ड है। ठीक है, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से करोगे। हिट एंड ट्रायल में भी एक चीज और देख सकते थे आप, कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसकी रेंज चेक कर सकते थे, सबसे बड़े एंगल की कैसे चेक करते, देखो ये मैं समझा देता हूं। 180 है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा एंगल होता वो 14 का स्क्वायर, इससे छोटा छोटा ही रहता क्योंकि 196 हो गए। ठीक है, मान लो ऐसा होता कि 178 और 11, ऐसा भी तो बन सकता था, एक एंगल तो ये हो जाए 178 और ये 1 और ये 1, ऐसा बन जाता। तो जो सबसे बड़ा एंगल है ये 180 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 14 के स्क्वायर्स 196 से छोटा ही बनेगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर की बात करें और इंटीजर के अकॉर्डिंग चलें तो 13 स्क्वायर 169, ये वैल्यू बनती है आपकी मैक्सिमम। अब इनके अकॉर्डिंग और मिनिमम भी देख लें, यदि कोई एंगल है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल, ठीक है, तो इसकी मिनिमम रेंज क्या होगी, 60 हो सकता है, जब तीनों इक्वल हो जाए तो 60 हो सकता है, तो 60 से बड़ा होगा, इसका मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो 60 से बड़ा और 180 से छोटा, ये इसकी रेंज है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो, हिट एंड ट्रेल से चेक करना, भी फर्मेट्स थ्योरम है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। यहां मैं आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का आपस का रिलेशन समझेंगे ट्रायंगल में, फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये एक हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, शीर्ष। ठीक है, ये शीर्ष है, इसको अपन कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी, और इस ए के सामने, ए के साथ जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ए, ये बी और ये सी कहलाता है, और एक वर्टेक्स ए के ऑपोजिट भुजा स्मॉल ए है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक है, ये नोटेशन है, हमेशा इसी को अपन काम में लेते चलेंगे। फिर आता है ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, इसको अपन प्रूव कर भी चुके हैं पहले, ये देखो ये अपन प्रूव कर चुके हैं, तो ये आपको ध्यान भी होगा, ये एक लाइन है, इसके तीनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, थीटा है, अल्फा, बीटा। ठीक है, तो ये जेड बना रहा है,
तो ये भी थीटा हो जाएगा, इधर से ये जेड बना रहा है तो ये बीटा हो जाएगा। तो थीटा, अल्फा और बीटा इन तीनों का सम 180 एक लाइन पे, इस पे अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सटीरियर एंगल्स, वो बच्चों को प्रॉब्लम करता है। आज अपन वो बिल्कुल अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल क्या है और कैसे अपन ने डिफाइन किया हुआ है। ये देखो, एक चीज समझना, यदि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, वो ध्यान से समझोगे, यहाँ एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ भी अभी मैं करवाऊंगा, जो कन्फ्यूजन है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए आपके। देखो, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, ये इसको दोनों तरफ बढ़ाए, ये जो एंगल है इसको मान लिया हमने ए नाम दे देते हैं, चलो ए, ये तो समझ में आता है कि एक एंगल बन रहा, उसको हमने अंतः कोण नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम इन भुजाओं को बाहर बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये नौ एंगल्स हो गए। अब इन नौ एंगल्स में हम किसको इंटीरियर मान, एक्सटीरियर एंगल माने और कैसे डिफाइन करें, ये बहुत कन्फ्यूज करता है। और ये सबको पता है कि जितने भी बाह्य कोण हैं उन सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ऐसा क्यों है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इवन एक पॉइंट के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, इस पर भी मैं, क्यों होता है ऐसा, इस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो दूंगा आपको। यहाँ देखो, यदि हम इन तीनों को बाह्य कोण मान लें तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो तीन पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का सम देखो 100, ये 360 हो गया पूरा, ये पूरा 360, एक 360 ये और एक 360 ये, तो 360 कितनी बार हो रहा है, तीन बार, तो ये 1080 हो जाता टोटल। लेकिन ये तो इंटीरियर एंगल्स है तीन, तो इसमें से 180 कम कर दे, ठीक है, तो ये बाह्य कोण तो ये बनने चाहिए थे, ये टोटल नौ बाह्य कोण है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, बाह्य कोणों का योग 360 ही डिफाइन किया हुआ है। अब उसको समझते हैं। देखो, जब भी ये बाह्य कोण की बात करता है, ठीक है, तो इस एंगल को बात ही नहीं करेगा, ठीक है ना, ये जो एंगल है ये बाह्य कोण नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इंटीरियर का, इसलिए हमने इसको बाह्य कोण डिफाइन नहीं किया, तो तीन तो ये कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग एंगल्स हैं इनकी जब बाह्य कोण की बात की जाएगी तब क्या रिलेशन बनता है, जो ये देखो, ये भी पता है कि ये दो और नौ ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तीन और पांच ये भी इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख कोण आठ और छह ये दोनों भी बराबर हैं, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, हमेशा एक एक एंगल को चूज करेंगे और वो कोरस्पोंडिंग होंगे। कैसे होंगे, देखो जैसे मान लो हमने दो को सिलेक्ट किया है, ठीक है, इस दो को, तो इसके कोरस्पोंडेंस में क्या आएगा, पांच आएगा और ये आठ आएगा, जैसे इसमें बना भी रखा है, चलो मैं यहाँ इस डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये इसके कोरस्पोंडेंस में ये और इसके कोरस्पोंडेंस में ये जो तीन एंगल्स हैं ये कोरस्पोंडेंस में हैं और इन तीनों को हम बाह्य कोण डिफाइन करते हैं। आप चाहे तो इनको बोल सकते हो और आप चाहो तो इनको बोल सकते हो, जैसे ये है तो इसके कोरस्पोंडेंस में ये हुआ और इसके कोरस्पोंडेंस में ये हुआ। चाहे तो आप जो रेड कलर है उनको बाह्य कोण बोल दो, यदि आपने कहा कि मैं इसको बाह्य कोण मान रहा हूँ एक, इसको बाह्य कोण मान रहा हूँ ए को, तो ये दूसरा बाह्य कोण होगा और ये तीसरा बाह्य कोण होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको बाह्य कोण डिफाइन करो फिर इसको बोल दो, नहीं, या तो ये तीनों ग्रीन होंगे या तीनों रेड होंगे। अब इन तीनों का सम भी अपन देख लेते हैं, 180 इनका 180 ये एक लाइन पे 180 है, ठीक है, तो देखो कितनी लाइनें बन रही हैं, एक इस लाइन की बात करें तो ये पूरा कितना हुआ 180, ठीक है, ये पूरी लाइन पे, इस लाइन की बात करें तो ये कितना हुआ, ये भी 180 हो गया, ठीक है, और इधर इस लाइन की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हुआ 180, तो तीन है, तीनों मिलकर कितने हो गए 180 180 और 180, ठीक है, तो टोटल हो गया 540। इस 540 में से तीन एंगल्स को हम डिफाइन कर चुके हैं, ये और ये अंतः कोण, और इनका सम कितना लिया हमने 180, तो इसमें से 180 घटा दो तो कितना बचेगा 360, ठीक है। ये जो 360 है ये हमने डिफाइन कर दिया है कि किसी भी पॉलीगन में सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होगा,
यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। देखो ये हमने डिफाइन कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, सपोज ये एक एंगल है तो इसके बाह्य कोणों की बात करें, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाओ, ठीक है, ये ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों बाह्य हो गए। अब ये पॉइंट माने तो इस पॉइंट का सम कितना होगा, चारों तरफ 360 होगा, ठीक है। यदि ये ट्राइंगल, बहुत ध्यान से समझोगे भी, हर रेगुलर पॉलीगन में हम इसको अप्लाई करेंगे, यदि ये ट्राइंगल रेगुलर है यानी इसकी ये भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं, तो ये कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री, ठीक है, संभव बनेगा ये 60 डिग्री हो गया, क्लियर हुआ। यदि ये 60 डिग्री है तो ये बाह्य कितना हो गया, 120, ये भी 120 और ये भी 120, ठीक है, ये तीनों 120 120 हो गए। तो इन तीनों तीनों इक्वल होंगे यदि रेगुलर है, तो रेगुलर का तीनों अंतः कोण और तीनों बाह्य कोण बराबर हो जाएंगे ट्रायंगल में। पॉलीगन है तो जितने भी अंतः कोण होंगे बाह्य कोण होंगे वो इक्वल होते चलेंगे। अब देखो अंतः कोणों का जो योग है, ठीक है ना, अंतः कोणों का योग है वो तो चेंज होता रहेगा, इस पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही बना रहेगा। तो एक चीज और समझ सकते हैं, मैं दोबारा एक डायग्राम बनाता हूं। देखो यदि ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो इसके अंतः इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस भुजा ने एक एंगल बनाया, ठीक है, इस भुजा ने भी एक एंगल बनाया ये, और इस भुजा ने भी एक एंगल बनाया ये। यदि ये रेगुलर है तो ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे और तीनों का योग इस पॉइंट पे, तीनों का योग कितना हो जाएगा, 360, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 और ये भी 120, ठीक है, और ये हर रेगुलर पॉलीगन के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, यहां बना रहा हूं मैं दोबारा, रेगुलर पॉलीगन में जो बाह्य कोण होता है, ठीक है, जैसे ट्राइंगल है तो 120 है, तो इतनी डिग्री का एंगल, एक तो एक केस तो क्या बना कि तीनों बराबर होंगे बाह्य कोण, दूसरा केस ये बनता है कितने ही डिग्री का एंगल, इतने ही डिग्री का एंगल कोई भी भुजा इस पॉइंट पे बनाती है, ठीक है, ये पॉइंट केंद्र है, कौन सा केंद्र है इसको भी अपन समझेंगे आगे, सेंटर्स करवाऊंगा तब, पूरी ज्योमेट्री पूरी मैथ्स बिल्कुल एक अलग लेवल पे करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहना, और जो मेहनत मैं चाहता हूं वो मेहनत आपको करनी है। क्या समझा हमने, यदि रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सभी बाह्य कोण बराबर होंगे और सभी अंतः कोण भी बराबर होंगे, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो अंतः कोण है और बाह्य कोण है, तो एक अंतः कोण और उसके साथ वाला बाह्य कोण, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, चलो ये भी क्लियर हुआ। अब बाह्य कोण है उनका मान तो हमेशा 360 ही रहेगा, उनका योग, ठीक है, तो वो प्रत्येक कोण, जैसे ट्राइंगल की बात करें तो 120 हो गए, ठीक है। अब यदि ये बाह्य कोण 120 है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी कोई भी भुजा जो सेंटर है, इस सेंटर पर उतने डिग्री का एंगल बनाएगी जितना ये बाह्य कोण है, कोई भी भुजा ले लो आप, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, देखो समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाह्य जितनी भुजाएं हैं उतने ही बाह्य कोण होंगे, पहली चीज। यहां पे देखो तीन भुजाएं तो तीन बाह्य कोण है ये रे, ठीक है, तो हमने 360 को तीन बाह्य कोणों में डिवाइड किया तो भी 120 आए, तीनों बराबर थे। और यदि उनको तीन भुजाओं के अकॉर्डिंग डिवाइड करते, देखो ये रहा, इस भुजा के अकॉर्डिंग ये, इस भुजा के अकॉर्डिंग ये और इस भुजा के अकॉर्डिंग ये, तो तीन ही भुजाएं थी और तीनों में डिवाइड कर दिया हमने 360 को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि जो बाह्य कोण है, सम त्रिभुज हो चाहे सम चतुर्भुज हो, सब में जो बाह्य कोण है, ठीक है, वही एक भुजा द्वारा अंदर बनाया जाता है, ठीक है। बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं इन कॉन्सेप्ट्स की। चलो स्क्वायर की बात करें एक बार, बोलो स्क्वायर में क्या है, ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 90, इसका मतलब क्या होगा कि जो भुजा है, प्रत्येक भुजा ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी बहुत तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट से क्लियर करूंगा। ये जो इसके ट्राइंगल ये डायगनल्स हैं विकर्ण, ठीक है, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, तो एक प्रॉपर्टी ये हुई। इसको मैं कोई पांच तरीके से समझाऊंगा आपको,
समझ रहे हो कि क्यों ये 90 डिग्री पे हैं। यदि हेक्सागन होता, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, तो क्या होता, देखो ये एंगल कितना हो जाता 120, तो जो बाह्य कोण है वो 60। हम ये भी बता सकते थे कि रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है, तो उसमें 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं तो 6 बाह्य कोण है, और यदि 6 बाह्य कोण है और उन सब का योग 360 होता है और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर भी है क्योंकि सम है, तो 360 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ये आर्गुमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री है, ये इतने डिग्री का एंगल, इसके केंद्र पर कोई भी भुजा, चाहे आप जो आपकी इच्छा हो वो भुजा ले लो, ये प्रत्येक भुजा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री। इसलिए ये जो षटभुज है इसका बहुत बड़ा रोल है भाई। कहाँ पे, एक्चुअल में जब सुमेरियंस ने या बेबीलोनियंस ने, जिन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री को रिटन में लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है, ज्योमेट्री को रिटन फॉर्म में लेके आए थे, उन लोगों ने सर्किल को समझा ही नहीं था, समझ लो सर्किल बना लिया था लेकिन सर्किल की जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसे फाइंड करते थे, ये यहाँ से करते थे। देखो समझाता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया, जब सर्किल का परिमाप उनको फाइंड करना होता तो वो सर्किल में एक रेगुलर हेक्सागन बना देते, और रेगुलर हेक्सागन की जो भुजा थी उनको ही पता था भी, पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। रेगुलर हेक्सागन की जो भुजा है वो वास्तव में इस सर्किल, ये सर्किल है ना, इस सर्किल की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो वो ये परिधि फाइंड करने के लिए एक हेक्सागन तैयार करते, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आज से 4000 साल पहले, जब बेबीलोन में या सुमेरियन सभ्यता या फिर अपन आज आते हैं इजिप्ट में, जो मैथमेटिशियन थे वो पाई को डिफाइन नहीं कर पाए थे, पाई को उन्होंने कुछ वैल्यू रखी है वो भी बताऊंगा, 3.25 थी उनके अकॉर्डिंग। फिर उस पाई को डिफाइन किया आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने जो वैल्यू दी है पाई की वो आज भी अपन काम में लेते हैं, 3.14, समझ रहे हो। ये सब चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा साथ साथ। मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को लिंक कर पाओ, केवल क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है भाई, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, और जितना कॉन्सेप्चुअली आप इनको बेसिक नॉलेज रखोगे उतना ही फास्ट आप सोल्व कर पाओगे। और इस साल जो मेंस का पेपर था वो आपको उसी नॉलेज को चेक करने वाला था। पेपर टफ नहीं था, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, कभी जब आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या प्रॉपर्टी देखी हमने, ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। किसी भी रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज, ठीक है, सम बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। क्लियर हुआ, तीन भुजाएं हैं तो तीन बाह्य कोण हैं, और जो बाह्य कोण है यदि सम है, रेगुलर है, इसका मतलब सम बहुभुज, तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यदि सभी भुजाएं बराबर तो सभी बाह्य कोण भी बराबर हैं, अंतः कोण तो बराबर है ही है, बाह्य कोण भी बराबर होंगे, और बाह्य कोण बराबर होंगे तो उसको हम उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जितनी भुजाएं हैं। तो तीन, सभी बाह्य कोणों का योग भी कितना है, 360, और इस पॉइंट पे भी टोटल कितना है एंगल, 360। तो इस भुजाएं इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगी, और बाहर भी तीन कोण है तो 360 को हम तीन जगह डिवाइड करेंगे। ऐसा ही चार भुजाएं होंगी तो होगा, पांच होंगी तो होगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो रेगुलर पॉलीगन में प्रॉपर्टी देखी, जो बाह्य कोण है वही कोण कोई भी भुजा केंद्र पे बनाती है। क्लियर बाय पॉइंट, ठीक है। अब इसकी अप्लीकेशंस भी देखेंगे अपन आगे चल के, मैं करवाऊंगा। यहां वापिस आते हैं अपन, जो रेगुलर हेक्सागन है, जब मैं आपको करवाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टीज को अपन काम में लेते हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग आप प्रॉपर्टीज में होगे उतना ही फास्ट बनना है। ये समझ में आ गया, ठीक है। कैसे, क्या देखा हमने कि इस रेगुलर हेक्सागन की जो भुजा है वो भुजा इस बाह्य सब्सक्राइब्ड है ना, ये वृत्त, ठीक है, सर्किल, इसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। इसका जो हेक्सागन था इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 6 कोण है और सभी बराबर है। तो इस प्रत्येक भुजा द्वारा, ये देखो ये प्रत्येक भुजा है, इस भुजा द्वारा केंद्र पे जो एंगल बनाया जाएगा वो भी 60 होगा, और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, मैं समझ रहा हूं कि अब समझ में आ रहा है। देखो ये समझना जरूरी है, इन चीजों को मैं अप्लाई करके बताऊंगा तभी मजा आएगा। आगे चलें, ठीक है। ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसको भी चलो मैं समझाता हूं कि एक्सटीरियर एंगल कैसे
डिफाइन करें अपन, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं कि किसी भी एक वर्टेक्स पे, एक शीर्ष बिंदु पे अंतःकोण और जो बाह्य कोण है उन दोनों का योग कितना है, 180, एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो अब एक और चार का योग कितना हो जाएगा भाई, 180 हो गए, ठीक है। और इधर देखो एक के साथ तीन और दो मिलकर कितने बनते, 180 बनाते, एक दो तीन, तीनों का योग कितना है, 180, और एक और चार का योग कितना है, 180। तो एक ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो और तीन है, ठीक है, इन दोनों का योग इसके बराबर है, क्लियर हुआ। हमने क्या देखा कि एक प्लस, मैं लिख देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, तीनों 180 है, एक दो तीन, और फिर एक और चार ये भी 180 है, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज समझ ली कि एक तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दो और तीन इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन आगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बाह्य कोण है और ट्रायंगल में क्यों, किसी भी पॉलीगन में 360 होगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, चलो देख लो। इस फिगर में AD बराबर है CD, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, और CD बराबर है BC के, और ये भी बराबर है, ये 99 डिग्री आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि DBC कितना, DBC यानी ये एंगल कितना है, ठीक है, इस एंगल की बात करें। चलो देख लो, यदि हमने इसको थीटा थीटा मान लिया तो ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में ये बाह्य कोण बनेगा, क्लियर है, बाह्य कोण, और जो बाह्य कोण है वो दूर वाले अंत कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। और ये दोनों देखो इस ट्रायंगल में बात करें तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अप्लीकेशन देखते हैं इसकी। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये पूरा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो दूर वाले अंतःकोण है, दूर वाले अंतःकोण कौन से हैं, ये और ये, इन दोनों का जो योग है वो 99 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब थीटा प्लस 2 थीटा, ये किसके बराबर है, 99, यानी 3 थीटा 99 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 33, हमें ये पूछ रहा है, तो ये किसके इक्वल है, 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 66, ये रहा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, बहुत आसान है, कर सकते हैं अपन। यहाँ हमने ये देखा कि जो बाह्य कोण की प्रॉपर्टी है वो इसने तीन बार अप्लाई किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये एंगल 5x प्लस 7 है, ये 89 का है, ठीक है, और ये 14x प्लस 1 है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप की जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं समझा रहा हूँ, ये बोल रहा है कि 5x प्लस 7 और 89 ये मिलकर इसके बराबर होंगे, क्लियर है। तो यहां से देखो 89 और 7 कितना हो जाएगा, 96, उधर एक है तो इसका मतलब ये 95 कर दे इसको, तो ये 95 हो गया। इधर कितना बन रहा है, ये 14x, ठीक है, और 5x इधर है, तो कितना बच गया, 9x, तो 9x 95 के बराबर है, तो 1x कितना हो जाएगा, 95 में 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 10 5/9, ये कैसे आएगा, चलो मैं एक बार समझा देता हूँ, इनको विजुअलाइज करना है, जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व नहीं करना है भाई, चलो मैं समझाता हूँ पहले, ठीक है, फिर आप रिलेट कर पाओगे। ये हमें पता है कि ये बाह्य कोण है और ये दो अंतःकोण है, इन दोनों का योग उसके बराबर होगा, तो 5x प्लस 7 प्लस 89 ये इक्वल होगा 14x प्लस 1, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 96 हुआ, एक उधर ऐड किया हुआ है पहले से, इसका मतलब ये 95 ही तो बचा, ये ठीक है, ये 95 बचा हुआ है, ठीक है। इधर 5x पहले आ चुका है, तो इस 5x को कैंसिल कैसे करें अपन, ये देखो इधर एक माइनस का 5x जोड़ दें इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उधर भी तो माइनस का 5x जुड़ेगा, ठीक है, तो 5x इसमें से कम होकर कितना बन जाएगा,
9x। और इस फॉर्मेट में आने के लिए आपको ये लिखने की बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा देख सकते थे। देखो ये दोनों हैं, ये इधर हैं इस पार्ट में और वो उस पार्ट में है, तो ये कितना है 7 और 89 96, उधर 1 है तो 95 हो गया। फिर यहाँ से देखो 5x है, इधर 14 है, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट में है, अलग अलग जो इक्वेशन है उसके अलग अलग पार्ट्स में है, तो ये जो 5x है इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 5 करेंगे तो जो 95 है जो बचा था वो किसके इक्वल हो जाएगा 9x। 90 होता तो 10, 5/9, ठीक है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चलना है, बहुत फास्ट होने वाली है स्पीड, आप प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मैं बता रहा हूँ हो सकता है एक बार में आपको वैसे ईजी लगेगा, वैसे कर लो, उसके बाद 2-4 मिनट आप सोच भी लो कि मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता था। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये जो एसएससी में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, ये अब फटाफट होने चाहिए भाई, इतना टाइम कॉन्सेप्ट पे मैं इसीलिए देता हूँ ताकि जब अपन क्वेश्चंस पे आए तब हम फास्ट कर सकें। आओ ये बोलते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी और उसमें ए बी बराबर है एसी, ठीक है, दोनों बराबर हैं और एक बाह्य कोण है, ठीक है। देखो समझना अब यहाँ पे मैं आप जैसे सोचते हो वैसे भी समझाता हूँ, चलो पहले तो वैसे समझाता हूँ फिर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ। ये दो एंगल, ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये 60 डिग्री का एंगल अंत है कौन, ठीक है। ये जो लास्ट क्लास थी उसमें मैं बता के गया हूँ, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर बताई इसने, तो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज यदि उसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है तो हमेशा समबाहु होता है। तो जब ये बोल रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल 60 डिग्री हो गए तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, वो जब इसमें कोई भी पूछे सारे के सारे कितने हैं 60 डिग्री के हैं। एक चीज, हमें ये 60 डिग्री तक भी नहीं आना था, ठीक है ना, यहां आने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। कैसे समझना, यदि कोई दो भुजाएं बराबर हैं और एक बाह्य कोण 120 है तो भी संभव है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, समझ रहे हो। जैसे जैसे आप बोलोगे सर मैं तो वैसे भी सोल्व कर देता, हाँ अभी इस क्वेश्चन में तो कर देते, लेकिन जब इसके साथ और 5 चीजें और जोड़ के देगा, 2 या 3 एस्पेक्ट जोड़ेगा साथ में, तब आसान नहीं है, तब एक एक इक्वेशन बनाते रहोगे, अदरवाइज 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज कर दोगे, मर्ज करते आंसर आ जाएगा। ये मैं बोन सीरीज में समझा चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा तो बोन सीरीज जरूर देखना भी, वहां मैंने ये चीज समझाई है कि कैसे हम 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करें, 2 या 3 आर्ग्यूमेंट एक साथ लेके आए तो हम एक स्टेप में आंसर कर सकते हैं। चलो आगे देखो, यहां बात करते हैं क्या देखा हमने, ये एक चीज, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज यदि उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वो गिवन होगा समद्विबाहु है तो, और उसका एक एंगल 60 डिग्री तो संभव है, लेकिन यदि संभव में एक एंगल 120 डिग्री है और दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो भी ये संभव ही होगा। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक एंगल बाह्य कोण 120 है वो संभव है हमेशा, ठीक है, आगे काम में लेंगे इनको, अभी आप समझते चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इसको भी समझ लो एक बार। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी यानी समद्विबाहु हो गए, ठीक है, बी एसी 40 डिग्री है, ठीक है, तो बी पर बाह्य कोण कितना होगा बोलो, मैं पहले पूरा सोल्व करूं फिर अपन थोड़ा प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप नई चीजों के लिए ओपन ही नहीं हो। ए बी सी, इसमें ए बी बराबर है ए सी, ठीक है, बी ए सी 40 है, बी ए सी ये 40 डिग्री है, तो बी पर बाह्य कोण बताओ, ठीक है, ये बी पर बाह्य कोण की बात हो रही है, ठीक है। देखो क्या करें, बी पर बाह्य कोण कैसे बताएंगे, यदि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, इस भुजा के ऑपोजिट तो ये है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है, तो ऑपोजिट 40 तो हो गया, कितना बचा है 140, 140 को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 70 और 70, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो जो बाह्य कोण है या तो वो इन दोनों का योग है 110 या फिर 180 ये बनता है, तो 70 ये और 110 ये, ठीक है, ये हम कर सकते थे। अब बोलो इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका वो कैसे आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो हमें पता है कि दो कोण बराबर होंगे, और यदि दो अंतः कोण बराबर हैं तो दो बाह्य कोण भी बराबर होंगे, इसी के साथ बात करें तो ये भी तो 110 आएगा, ठीक है, 110 आएगा, और इसके साथ जो बाह्य कोण आएगा, ठीक है, उसको बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है,
ये जो बाह्य कोण आएगा ये कितना होगा बोलो, 180 के अकॉर्डिंग 140 होगा, ठीक है। तो हम इसको ये भी देख सकते थे कि जो ए एंगल ए पे, ए की बात हो रही है तो केवल यहाँ पे फोकस करोगे, बी ए सी पे जाना ही नहीं है, एंगल ए, ठीक है। एंगल ए पर यदि अंतः कोण 140 है तो बाह्य कोण कितना बचेगा, 140, ठीक है। तो जो दूसरे जो बाह्य कोण होंगे दो वो कितने होंगे, 140 कितने में से घटा दो, 360 में से घटाओ 140, ठीक है, कितना बचेगा, 220 बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये 220 दोनों बराबर होंगे और 110 110 के होंगे। यदि बाह्य 110 है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, 70। तो बी पे वैसे तो इसने बाह्य कोण ही पूछा है, अंतः कोण तो जाने नहीं, 110 है। समझ में आया, मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, रिपीट करता हूं, चलो एक बार समझना, ठीक है। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कोई डायग्राम नहीं। जनरली क्या होता है, जैसे ही हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, नहीं। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देने वाला हूं, एक नया विजन मिलने वाला है, आप उस पे वर्क करो। क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट सुनते चलना भाई। ये बोल रहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि समद्विबाहु तो उसके दो अंतः कोण बराबर हैं, दो अंतः कोण बराबर है तो दो बाह्य कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। ए पर जो अंतः कोण है वो 40 का है तो ए पर बाह्य कोण 140 का होगा, यदि 140 का बाह्य कोण है तो जो दो बचे हुए बाह्य कोण है वो बराबर होंगे, सही है, वो दोनों बराबर होंगे। और उन दोनों का योग कितना है, 140 घटा दो 220 है, यदि दो का 220 है तो एक का कितना हो जाएगा, 110 आंसर। और ये बहुत फास्ट होना है, बहुत फास्ट, मैं तो आपको समझाने के लिए इस स्पीड पे सोच रहा हूं, समझ रहे हो चीजें। नया सोचना है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है तभी स्पीड आनी है, क्लियर हुआ। दोबारा बताऊं, दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु, दो अंतः कोण बराबर होंगे तो दो बाह्य कोण भी बराबर होंगे, एक अंतः कोण 40 है तो एक का बाह्य कोण 140, तो दो बचे हुए बाह्य कोण बराबर होंगे, दोनों का योग 220 है क्योंकि तीनों का 360 था, यदि दो बराबर एंगल्स का सम 220 है तो एक कितने का है, 110 आंसर। आ गया जो, ठीक है, ये देखते हैं इस बार ये क्या बोल रहा है, ये 2016 में आए आपके प्री में, ठीक है। ए डी बराबर डी सी है, ए डी ये इसने दे भी रखा है, डी सी है, ठीक है, और डी सी बराबर है बी सी, ये तीनों भुजाएं इक्वल दे रखी हैं इसने, ठीक है। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इस भुजा के ऑपोजिट एंगल ये थीटा है, इसके ऑपोजिट ये थीटा है, ठीक है। तो जो बाह्य कोण है वो क्या हो जाएगा, ये बनेगा, बोलो कितना हो जाएगा, 2 थीटा, इसके ऑपोजिट 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ये 96 है, यदि वो 96 है तो किसके बराबर है, 3 थीटा के बराबर है, 1 थीटा ये और 1 थीटा ये, 2 थीटा ये, तो 3 थीटा 96 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 64 आंसर। आगे चलो, ये अपन कर चुके हैं पहले, ये देखो पी क्यू आर त्रिकोण में भुजा क्यू आर को ऐसे खींचा गया है, यदि क्यू पी आर 72 डिग्री है, पी आर एस 110 डिग्री है तो पी क्यू आर का मान बताओ। चलो पहले मैं एक बार सोल्व करवाता हूं, ठीक है, तभी आप रिलेट कर पाओगे। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें भुजा पी क्यू आर है, ठीक है, इसको अपन पहले मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं। पी क्यू आर है, इसमें भुजा क्यू आर, क्यू आर को खींचा गया है एस तक, ठीक है, ये एस तक खींचा गया है। यदि क्यू पी आर, क्यू पी आर 72 डिग्री है, ठीक है, और पी आर एस, पी आर एस, एस बाहर गए, ठीक है, ये है 110 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पी क्यू आर कितना होगा, पी क्यू और आर ये कितना होगा, ठीक है, बोलो बता सकते हो क्या, ठीक है, देख लो 72 और ये एक्स है, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38, ठीक है। ये अब समझ में आया, अब मैं इसको विजुअलाइज करते हैं, आप जितने क्वेश्चंस कम करो, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है भाई, आप क्वेश्चंस कम करो, पहले उसको जो इस मेथड से आपने आज तक बचपन से पढ़ा है वैसे सोल्व करो, फिर आप उस पर 5 मिनट दो और अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करो और विजुअलाइज करो। ज्योमेट्री इसीलिए पूछता है ताकि वो आपसे ये देख सके कि क्या आप कंस्ट्रक्शन करना जानते हो, क्या आप विजुअलाइज करना जानते हो, क्या आप 3D में सोचना जानते हो, वही ज्योमेट्री का पर्पज है और मेंसुरेशन का भी यही पर्पज है। अपन इस पर आगे से बात करेंगे, देखो अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ समझना, जैसे ही हमने देखा कि एंगल की बात होगी तो केवल ये पी दिखना चाहिए, पी 72 डिग्री है,
ठीक है, और एस बाहर खींचे तो पी आर एस, इसका मतलब ये बाह्य कोण है, ये 110 है, और इसके साथ वाले अंतर कोण की बात नहीं हो रही, यहां पे किसकी बात कर रहा है ये देखो, ठीक है, क्यों की बात कर रहे, पी बेहतर है, आर एस जोड़ दिया तो इसका मतलब बाह्य कोण है, और क्यों की बात कर रहे, इसका मतलब भी इन दोनों का सम 110 होना चाहिए। 38 आंसर, बहुत फास्ट करोगे, यही समझा रहा हूं मैं, ठीक है, और यही समझना है, आप टाइम दो चीजों को। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं वो एक बार में समझ में नहीं आते या कम समझ में आते हैं, दोबारा देखो, तीन बार देखो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक स्पीड कैसे आएगी, समझ रहे हो, या तो वो पूरा एक्स वाई करके सोल्व करते रहो, और वहां से इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, ये मैं बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर कट समझा देता हूं, क्या कॉम्पिटिशन है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक चीज को पूरा डिटेल में करो और आप टॉप रैंक निकाल दो, नहीं, उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या किया, दोबारा समझाऊं, एक ट्रायंगल था पी क्यू आर, इसमें तीन कोण होंगे, एक पी पे, एक क्यू पे और एक आर पे, ठीक है, पी पे कितना है 72 डिग्री, आर पे, लेकिन उसने आर जोड़ दिया जबकि ट्रायंगल तो पी क्यू आर ही था, इसका मतलब एस बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, वो 110 डिग्री है, ठीक है, और क्यू की पूछ रहा है, इसका मतलब हमें पता है कि आर पर जो बाह्य कोण है वो पी और क्यू के इक्वल होगा, 110 ये बेहतर है, तो 38 बहुत फास्ट कर सकते हैं। आओ आगे देखते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 115 डिग्री है और एक आंतरिक समूह कोण 45 डिग्री है, तो अन्य दो कोणों का माप बताओ, ठीक है, चलो पहले अगेन मैं पूरा सोल्व करवाता हूं, फिर अपन थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 115 डिग्री है, यह मान लिया, और एक आंतरिक समूह कोण या ओपोजिट एंगल, ठीक है, वो 45 है, ओपोजिट एंगल ये 45 को इसको मान लो चाहे इसको मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो अन्य दो कोणों का माप बताना, ये आपको सम बताना है, ठीक है। देखो अच्छा, इसने सम भी नहीं पूछा, इसने अलग अलग ही दे रखा है, कितना आसान है, यदि एक बाह्य कोण 115 है तो ये अंतर कोण कितना होगा, 65 होगा, ये रहा एक ही ऑप्शन है आंसर, क्लियर हुआ, फाइंड भी कर लो, ये दूसरा और फाइंड कर लो यार, क्या कितना हो जाएगा, 100 110 और 70 ये लो, ठीक है, बट क्यों मैं अपने दो सेकंड बर्बाद करूं जब मुझे पढ़ते समझ में आ गया, क्यों मैं डायग्राम बनाऊं, यही चीज समझनी है। दोबारा देखो, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 115 है और जो ऑपोजिट है वो 45 है, ये इसके साथ वाला तो हो भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि साथ वाले का एंगल का सम तो 180 होता, जबकि 115 और 45 कितना हुआ, ये तो 160 हो रहा है, तो इसके साथ वाला तो हो भी नहीं सकता, क्लियर है। तो ये पूछ रहा है कि दो अन्य कोण क्या होंगे, तो एक तो 115 के साथ आएगा ना अंतः कोण, तो और दोनों का सम अंतः कोण और बाह्य कोण का सम 160 हो, 180 होगा, तो इसके साथ 180 होने के लिए कितना जरूरी है, 65, ये रहा एक आंसर है, चलो आगे, ठीक है, आओ ये देखते हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये CHSL LDC में आया हुआ है, लेकिन वास्तव में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो CGL में भी नहीं आया, हमने देखा है 16 में CGL से अच्छे क्वेश्चन से ये CHSL में थे भी, प्री में CGL का जो लेवल था उससे अच्छा लेवल था CHSL का, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा एसएससी अच्छे लेवल पे जाएगा वो यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, अब दोबारा समझते हैं, देखो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है तो दोनों बनने वाले बाह्य कोणों का योग क्या होगा, ठीक है, मैं पहले एक बार डायग्राम बना देता हूं, चलो ठीक है, बाकी यदि आप समझ चुके हो अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम की, फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोनों तरफ बढ़ा दिया, यानी इधर भी बढ़ाया और इधर भी बढ़ा दिया, तो ऐसे इनको दोनों तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है, तो बनने के बाद टोटल कितने बाह्य कोण बनेंगे, ठीक है, देखो ये पूछे कि किसी त्रिभुज में कितने बाह्य कोण होते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा, तीन, केवल तीन ही बाह्य कोण होते हैं, ठीक है, लेकिन यदि वो बोले कि दोनों इस वर्टेक्स के दोनों तरफ वाले बाह्य कोणों को जोड़ दें तो कितने होंगे, तब 6 होगा, ठीक है, और ये बोले कि किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा, लेकिन वो ये बोले कि किसी वर्टेक्स के दोनों तरफ बनने वाले बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो 360 तो ये था, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये तो 360 बनता, लेकिन उसने डिफाइन नहीं किया केवल बाह्य कोण, उसने आपको बोल दिया कि ये जो एंगल्स बन रहे ना इनके साथ साथ आप इनको भी ऐड करो, ये
ये और ये दोनों तरफ बनने वाले एंगल्स को ऐड करो, तो शीर्ष अभिमुख कोण से हमें पता है कि ये भी एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स वाई जेड 360 था, डबल हो गया 720। अब समझ में आ गए, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यदि आपने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ है, आपको ये क्लियरिटी नहीं है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण कैसे वर्क करते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था ये, ठीक है। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको जो वीडियो दूंगा ज्योमेट्री की, उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ज्योमेट्री करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।